सो येस गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिधिमा एंड हार्दिक सन। सो गाइज, आज की है एक मोरल स्टोरी एंड आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही मज़े आएंगे। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, लालची मिठाई वाला। सो देखो। अरे मम्मी का फ़ोन, लेकिन इस समय। हेलो। हाँ मम्मी। क्या, कल पूजा है? लेकिन अब पूजा के लिए मिठाइयाँ लानी है। अरे मम्मी, आप मुझे कल बता देते ना यार कि मिठाइयाँ लानी है। मैं कल ही ले आती, मैं कल बाहर गई थी तो मैं कल ही ले आती। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बाय, मिठाइयाँ लेके आती हूँ। अब मेरे को मिठाई लेने इतनी दूर जाना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे कोई मिठाई की दुकान भी नहीं है। चलो मिठाई लेने चलते हैं। आज तो मेरा पहला दिन है, देखते कौन सा कस्टमर पहले आता है। अरे यार, कोई दुकान यहाँ पे मिल ही नहीं रही। मिठाई वाला यार नहीं, मिठाई की दुकान वो भी हमारे घर के सामने। चलो अच्छा है, दूर भी जाना पड़ेगा। 100 रुपए की एक मिठाई। चलो ठीक है, यहाँ पे इतनी अच्छी कोई मिठाई नहीं मिलेगी। 100 रुपए की एक मिठाई। मिठाई तो अच्छी लगी, चलो ले लेती भैया। ओहो, कस्टमर आ गया। थोड़ी सी रेट ज़्यादा लगाऊंगा, ठीक है। क्या भैया रेट ज़्यादा? नहीं, कुछ नहीं, आप खरीदिए मिठाई। अच्छा तो भैया, ये कैसी मिठाइयाँ हैं आप मेरे को सबके? ये 100 रुपए की। 100 रुपए की? अच्छा, यह है 300। 300? अच्छा यार, अगर हमारी मिठाई खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, ये है 100 रुपए की, ये है 300 रुपए की, ये है 200 रुपए की, और ये है 400 रुपए की, ये है 50 रुपीज़ की। और आप बताइए, आपको कौन सी मिठाई चाहिए? भैया ये कितने की है? मुझे ये वाली चाहिए थी। मैडम जी, ये ऐसी मिठाई है, लार्जेस्ट है, मतलब इतनी लंबी, आपका ये आपको या बहुत टेस्टी लगेगी, और ये 5 हिस्सों में बट जाएगी, और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो भैया ये कितने की है? मैडम 250। अच्छा ठीक है भैया मुझे, लेकिन भैया आप थोड़ा रेट कम नहीं कर सकते? मैडम हमारे बॉस जो कहते हैं उनकी बात। भैया एक बार अपने बॉस से बात कर दीजिए और बोलिए ना कि थोड़ा सही रेट लगा दीजिएगे। हेलो। हाँ बॉस, ये जो बहुत लंबी मिठाई है वो कितने की है? क्या 250 की? आप बात कर लो। हाँ जी, थोड़ा रेट कम नहीं हो सकता इस मिठाई का? अच्छा ठीक है फिर भैया। भैया मुझे ये पूरी और ये पूरी मिठाइयाँ कितने की पड़ेंगी? मैडम जी 2000। 2000? भैया चलिए ठीक है, मेरी पूजा है, मेरे को ये दो कर दीजिए 2000 की। अरे ऐसे तो ज़्यादा पैसे आ गए। अरे मेरे को तो बहुत फीवर जैसा लग रहा है, मैं पता नहीं क्या करूँ। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, चलो थोड़ा मीठा खा लेता हूँ, अंकल की मिठाई खा लेती हूँ। चलो क्या वाली मिठाई खा लेती हूँ, इनको खा के, इस मिठाई को खा के तो मेरा और सा, मतलब और फीवर जैसा लग रहा है। लगता है इस मिठाइयों में ना अंकल ने कुछ फीवर टाइप है, कुछ तो कुछ ना मिला रखा है। पुलिस से कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। और मैं जब उनके कल दुकान में फिर से गई थी तो मैंने सुना था कि अंकल कह रहे थे कि कुछ इस पर मिलाएंगे और फिर देंगे। पुलिस से कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। चलो पुलिस को फ़ोन लगाती हूँ। हेलो पुलिस। हेलो। हाँ जी पुलिस, एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे ना कोई मिठाई वाला है, मिठाई की शॉप का नाम सही था। हाँ जी, हार्दिक मिठाई वाला। तो मैंने ना उसकी जब मिठाई खाई थी तो मेरे को बहुत फीवर जैसा लग रहा था। वो वहाँ पे छोटी सी गली है। हाँ वही छोटी सी गली है, और वहाँ पे
मैंने एक मिठाई खाई मेरे को फीवर जैसा लगा, फिर जब मैंने दूसरी मिठाई खाई मेरे को और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। रुको मैं एक मिनट में अभी जल्दी आ। आप प्लीज़ उस दुकान की खबर लीजिए, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। अब देख आगे पुलिस। हाँ जी पुलिस। हाँ बोलो। पुलिस वो जो दुकान देख रहे हैं ना आपको सामने जाके, आपने देखी होगी वो दुकान। उस दुकान वो दुकान ना मैंने कल भी पुलिस में वहाँ पे तो एक बच्चा आया था, उसने तो वो एक मिठाई ली थी, उसने तो रस्ते में खा ली थी, वो तो बेहोश हो गया। हाँ वो ही तो कह रही हूँ, बच्चा तो बेहोश हो गया। मेरी तो कल से तबीयत खराब है जब से मैंने उसकी मिठाई खाई है, और अभी भी मैंने एक मिठाई खाई है, मेरी तबीयत खराब हो गई है। प्लीज़ आप उस दुकान को बंद कराइए या कुछ करिए उस दुकान का। और आपको पता है वो लोग इतने लालची, उन्होंने क्या ही कर दिया बताइए, अब मैं क्या करूँ। ओ आप ही है मिठाई वाला जो लोगों को ऐसे डाल कर कुछ डाल ही देते हैं। अब तो फिर मुझे आपकी मिठाई में तो कुछ चेक करना पड़ेगा। आओ कितने बदतमीज हैं आप लोगों को मिठाई में कुछ डाल के झूठ गंदी मिठाई बेचते हैं लोगों को, बहुत गंदे हैं आप। आपकी मिठाई आज ही बंद करेंगे, आज ही। नहीं मैं कभी लालच नहीं करूँगा। पुलिस भी कह रहा था कि इसकी मिठाई में कुछ तो है, देखा हमने अभी उस मिठाई लालची मिठाई वाले को कैसे सबक सिखाया। सो यस गाइस, देखा आपने अंत में हार्दिक कैसे फंस गया था, तो इसलिए कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है। तो आप लोग कभी लालच मत करना वरना आप हार्दिक की तरह पछताओगे। एंड होप आपको आज वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल विद्या एंड हार्दिक सन को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड फॉर दैट स्पेशल अनाउंसमेंट फटाफट 240 या 250 सब्सक्राइबर्स तक फटाफट पहुँचाओ। एंड जल्द आने वाली है आपके लिए एक स्पेशल मैसेज, स्पेशल अनाउंसमेंट। सो यस बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय।